हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आरशो मेरा नाम रीता चौधरी है आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें स्वस्थ रहें अच्छे रहें मस्त रहें मस रहे। आज का वीडियो एम सी क्यूज़ ऑफ सी सी एस टी प्रोमेट्रिक हार्ड एम ओ एच डिफरेंट डिफरेंट डायलिसिस एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो अगर आप इन in इंडिया या आउट ऑफ इंडिया डायलिसिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप मेरे एम सी क्यूज जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं उनको फॉलो करें प्लस uh, जो मेरे थियोटिकल वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करेंगे तो 100 परसेंट आप अपने किसी भी डायलिसिस से रिलेटेड एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और अगर आप डी प्रोमेटिक के लिए स्पेशली अलग से आ, पढ़ना चाहते हैं तो फिफ्थ ऑफ अप्रैल से मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ जो पेड कोर्स है जिसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर पिंक कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर नो ब्रीदिंग पहला करेक्ट टर्म क्या है नो no ब्रीदिंग के लिए तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबली जो आंसर लोग लगाएंगे वो क्या है हाइपोक्सिया लेकिन देखिए हाइपोक्सिया का मीन्स होता है डिक्रीज ब्रीदिंग मीन्स क्या हो रहा है ब्रीदिंग कम है लेकिन बिल्कुल नहीं है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एपनिया एपनी का अपनी एपनिया का मीन्स होता है नो ब्रीदिंग नो ब्रीदिंग मीन्स एपनिया अगर एपनिया वर्ड आ रहा है इट मीन्स नो ब्रीदिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मूव थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू हायर सॉलिड कंसंट्रेशन टू लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन दिस मूवमेंट विल कंटिन्यू अंटिल ऑस्मोसिस के थ्रू सॉल्वेंट मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसके थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू और ये प्रोसेस कब तक चलेगा इसका राइट right आंसर है ए ये प्रोसेस द मूवमेंट विल कंटिन्यू अंटिल द कंसनटेशन आर द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ये जो मूवमेंट है ये तब तक चलेगा जब तक कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए या समान ना हो जाए इसका आंसर क्या होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी डी सी ए कंसिडर ऑन गोइंग प्रोसीजर बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर वन ऑफ द फोर स्टेप इन दिस साइकिल पी डी सी ए कंसिडर करता है uh, ऑनगोइंग प्रोसीजर में पी डी सी कंसिडर होता है जिसमें कि एक जितने भी इसके चारों स्टेप हैं उनमें से एक कंसिडर नहीं होता है तो पी डी सी ए का नॉर्मल मीन क्या होता है पी का मीन्स होता है प्लान ठीक है डी का डी का मीन्स होता है डू एंड सी का मीन्स होता है चेक एंड ए का मीन्स होता है असेस ठीक है तो इन चारों जो साइकिल में ये जो चारों स्टेप हैं इनमें से जो भी पोर्शन जो कि यहाँ पर कंसीडर नहीं होता वो क्या है चेक तो इसका आंसर क्या है डी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसीडर स्ट्रेटजी इनमें से कौन आ, इन इनमें से सब सभी कुछ कंसीडर स्ट्रेटजी हैं दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट सब सभी कंसीडर की जाती हैं जो कि हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करती हैं ड्यूरिंग डायलिसिस लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता डायलिसिस यूनिट में सबसे पहला सोडियम प्रोफाइलिंग यस yes, हम सोडियम प्रोफाइलिंग करते हैं जो लोग हाइपोटेंशन से ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस जिनका बी कम होता है उनके लिए सोडियम प्रोफाइलिंग करते हैं कूल डायलिसट का भी प्रोसेस करते हैं एल्फा एड्र एडरजिक सॉरी एड्रेनरजिक एगोनिस्ट ये भी प्रोसेस रहता है लेकिन हम जो प्रोसेस नहीं करते वो क्या है लो सोडियम डाइट हम किसी भी पेशेंट को ऐसा नहीं बोलते कि तुम सोडियम डाइट ड्यूरिंग डायलिसिस कम लो बल्कि जब जो पेशेंट हाइपोटेंशन में जाता है जिसका बीपी लो होता है उसको बाकायदा थोड़ा सा नमक या फिर फेंटा वगैरह में पेशेंट को बोला जाता है कि तू थोड़ा सा नमक लेके पी लो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग वुड बी ए फैक्टर दैट कुड हैविन इन्फ्लुएंस ऑन द पेशेंट क्लियरेंस ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस इन में से कौन सा फैक्टर होगा ठीक है जो कि इन्फ्लुएंस करेगा हीमोडायलिसिस के समय पेशेंट के क्लियरेंस को ठीक है तो इसमें से जो आंसर होगा पहला अगर हम देखते हैं द शेप ऑफ द होलो फाइबर हाँ होलो फाइबर डायलिसर का जो शेप है वो स्पेशली क्लियरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूट सॉलिड की प्रॉपर्टी आल्सो रेस्पॉन्सिबल होती है क्लियरेंस के लिए द डायलाइजर मेब्रेन करेक्टरिस्टिक जो डायलाइजर मेम्बरेन का जो करेक्टरिस्टिक है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है कि अच्छे क्लियरेंस के लिए कि, कि जितना अच्छा मेम्बरेन होगा उतना अच्छा क्लियरेंस होगा जितना सॉल्यूट्स की प्रॉपर्टी अच्छी होगी वैस वैसे ही मतलब डायलिसिस अच्छा होगा फाइबर डायलाइजर की शेप कैसी है ये भी डिपेंड करती है अच्छे क्लियरेंस के लिए तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी uh, यहाँ पर जो आंसर आएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2001 विच एक्ट वाज पुट इन इफेक्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम एक्सीडेंट एक्सपोजर टू ब्लड बोन डिजीज अप्रैल 2001 में कौन सा एक्ट जो कि इफ़ेक्ट हुआ था आ, हेल्थ केयर वर्कर के आ, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो कि एक्सीडेंटल ब्लड वोन डिजीज से जो एक्सीडेंटल एक्सपोजर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए तो जो इसका आंसर है वो क्या है बी द निडल स्टिक सेफ्टी एंड प्रिवेंशन एक्ट जो कि 2001 में आया था जिसके थ्रू Uh, जो ब्लड एक्सपोजर है ब्लड एक्सपोज़र बोन डिजीज़ है उससे प्रिवेंशन हो सके प्रोटेक्शन हो सके और इसी के बेस पे अगर ड्यूरिंग डायलिसिस निडलिस्टिक इंजरी होती है किसी भी स्टाफ को तो उसको आगे किस तरीके से करना है किन स्टेप्स में करना है उसको हम लोग फॉलो कर पाते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर ए ड्यूटी ऑफ द डायलिसिस टेक्नीशियन इनमें से कौन सी ड्यूटी होगी डायलिसिस टेक्नीशियन की एलपियन देट कुड वैरी फ्राम इस्टेट टू इस्टेट अकॉर्डिंग टू दीट रेगुलेशन ठीक है जिसमें कि वो बैरी करती है इस्टेट टू इस्टेट रेगुलेशन पे ठीक है कि एक स्टेट से जा रहा है दूसरे स्टेट में तो वो स्टेट Uh, कैसे रेगुलाइज uh, uh, स्टेट के रेगुलेशन में कैसे आ, आता है ठीक है तो इसके लिए क्या होगा कैनुलेशन ऑफ द एसेस साइट देखिए आप कहीं पर भी पहुंच जाएं किसी भी स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाएं या दूसरे से तीसरे में आपको जो कैनुलेशन की जो साइट है वो सभी के लिए एक ही है कि हाँ भाई कैसे असिस्ट करना है कैसे कैनुलेट करना है दूसरा है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपेरिन इंट्रावेनस कैसे हिपेरिन के लिए ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्टेट में हैं और दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप ऐसा करें कि यहाँ के दिल्ली वाले स्टेट वालों को दो एम एल हिपेरिंग दे रहे हैं यूपी में जो पेशेंट हैं उनको आप तीन एम एल हिपेरिंग दे रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता एक आ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोसीज़र है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू सभी पेशेंट के लिए डायलिसिस पेशेंट के लिए एक ही क्राइटेरिया जो कि होल टेक्नीशियन को चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए या सेम स्टेट में रहे उसी स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करेगा वो चेंज नहीं होते असेंबली ऑफ़ द डायलिसिस इक्विपमेंट इसका कोई रोल नहीं है डायलिसिस इक्विपमेंट हो सकता है किसी के यहाँ कुछ हो सकता है किसी के यहाँ गैम्बर की मशीन हो सकती है किसी के यहाँ फ्रेजीनियस मीन्स मानिए कि किसी स्टेट में गैमरों की मशीन है या यूनिट में ही किसी यूनिट में फ्रेजीनियस की मशीन है किसी में गैमरों की तो इक्विपमेंट चेंज हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं कि कैसे आपको कैनुलेशन करना है ठीक है वो प्लस जो है पेरेंट का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो कहीं पर भी सभी स्टेट में सारे सभी जगह इंडिया में एक है ठीक है यहाँ पे हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा एक मिनट डी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा डी नेक्स्ट है हाउ मच पी सी पी एस आई डज द एवरेज लार्ज ऑसमोसिस एवरेज लार्ज रिवर ऑसमोसिस कितना पी एस आई ज़रूरत होगा लार्ज रिवर्स ऑस्मोसिस जो कि नीड एट टेन टू ट्वेल्व गैलन पर मिनट ठीक है कितना पी एस आई टेन टू ट्वेल्व गैलन पर मिनट के लिए लार्ज रिवर्स ऑस्मोसिस पे ज़रूरत रहती है ठीक है कितना होगा तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा थर्टी अगर टेन टू ट्वेल्व गैलन है तो जो प्रेशर है पी एस आई है वो कितना होना चाहिए थर्टी थर्टी पी एस आई ठीक है ऐसे ही अगर यहाँ ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो ये टेन टू ट्वेल्व के लिए थर्टी पी एस आई होता है और जब ज़्यादा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाएगा ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है ऑन द एवरेज अप्रॉक्सीमेटली थर्टी पी एस आई बिल बी नीडेड थर्टी पी एस आई प्रेशर नीड होता है टेन टू ट्वेल्व गैलन पर मिनट फॉर ए लार्ज रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए ऑलवेज चेक फॉर एनी डिक्रीज इन द प्रेशर ऑलवेज चेक करें अगर प्रेशर डिक्रीज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच वुड बी इन इंडिकेटिव ऑफ़ द डिवाइस पोटेंशियल प्लगिंग अप अगर प्रेशर कम होता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है डिवाइस में नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग एरिए फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर टू बी ए सिस्टम दैट आर नॉट द मार्केट टू डे फॉर डायलिसिस मशीन इनमें से कौन सा जो है नॉट कंसिडर किया जाता है सिस्टम में जो कि आर ऑन द मार्केट टू द डायलिसिस मशीन जो कि डायलिसिस के मार्केट डायलिसिस uh, की मशीन्स के मार्केट में नहीं है ठीक है तो गैम्ब्रो यस डायलिसिस की मशीन्स की बात करें तो गैम्ब्रो काफ़ी चल रही है फ्रेजीनियस की बात करें तो फ्रेजीनियस भी चल रही है गैम्र और बी ब्रॉन की बात करते हैं तो बी ब्रॉन ऑल्सो चल रही है लेकिन वॉल्यू डायलाइजर सिस्टम ये ये नहीं है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बी थ्री सिस्टम ऑन द मार्केट हमारा जो डायलिसिस मशीन की अगर तो बात करते हैं तो डायलिसिस मशीन के मार्केट में थ्री सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गैम्ब्रो फ्रेजीनियस बी ब्रॉन लेकिन वॉल्यो डायलाइजर सिस्टम अभी तक नहीं मतलब अभी नहीं है नाउ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कु कंसीडर रीज़न फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर किए जाते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट में टू हैव प्रॉब्लम इन द स्लीपिंग जब आ, जब वो पेशेंट क्या कर रहा है स्लीपिंग में उसको दिक्कत हो रही है केवल एक को छोड़ के हाइपर टेंशन अगर कोई पेशेंट क्रोनिक पेशेंट ये कर रहा है सी के डी पेशेंट सो रहा है तो उसको हाइपर टेंशन हो सकता है क्या या स्लीप एपिनिया मतलब ब्रीदिंग बिल्कुल ना हो बीपी बढ़ जाए सोते समय क्रोनिक पेशेंट का या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या उसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाए या ऐसा हो जाए बोथ बी एंड सी मतलब स्लीप एपिनिया हो जाए या उसको क्या हो जाए रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इन तो डी आंसर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है डी ऐसा हो सकता है कि जब वो सो रहा है तो उसको सांस पहले तो हाइपोक्सिया हो और फिर पता चले कि उसको ब्रीदिंग बिल्कुल ही ना हो ठीक है नेक्स्ट इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो रेस्ट रेस्टलेस रेस्ट सिंड्रोम भी हो सकता है उस पेशेंट को यहाँ पर मैंने एक लाइन दी है तो इसका जो राइट right आंसर होगा फोर्टी का वो क्या होगा डी यहाँ पर मैंने एक लाइन दिया है हाइपर टेंशन वुड नॉट टिपिकली बी रीज़न फॉर ए पर्सन हु हैव प्रॉब्लम स्लीपिंग हाइपर टेंशन इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि कोई पेशेंट सो रहा है और उसको हाइपर टेंशन हो जाए तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी थोड़े बहुत पे ठीक है सीकेडी डी पेशेंट के लिए दीज रीजन कुड इंक्लूड स्लीप एपिनिया जो मेन रीज़न है वो क्या इंक्लूड होते हैं स्लीप एपिनिया और रेस्लैक्स सिंड्रोम मोस्टली सीकेडी पेशेंट को सोते समय स्लीप एपिनिया और रेस्लैक्स सिंड्रोम -like की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी जाती है द पेशेंट ऑफ्टन स्लीप थ्रू देयर डायलिसिस डायलिस डायलिसिस ट्रीटमेंट डिक्रीजिंग स्लीप एट नाइट डायलिसिस ट्रीटमेंट के समय जो पेशेंट जो हैं सो जाते हैं उनको ऐसा हो सकता है कि नाइट के समय जो स्लीप है वो कम आए द पेशेंट इन एविलिटी टू स्लीप साउंडली पीरियोडिकै लैग मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप डिप्रेशन जब पेशेंट जब सोते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कैसा होता है कि स्लीप साउंड पीरियोडिक लैग मूवमेंट होता है मतलब साउंड भी आ सकती है और उनके पैरों में भी हड़कल या उनको ऐसा लगे कि पैर बहुत ही ज़्यादा दुख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ठीक है तो ये था आज का वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू